हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज पता नहीं क्यों मेरा भी मन नहीं हो रहा था कि मैं खाना बनाऊं। तभी मेरे दिमाग में ऐसा आया कि ऐसा तो सभी के साथ होता होगा कि मन ना करे खाना बनाने का, और खाना बनाने का हमें कोई मोटिवेशन मिले। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी पे एक वीडियो बनाया जाए, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड टू कुक मोर। आपके बिजी रूटीन में कुकिंग के लिए समय निकालना मुश्किल होता है। आजकल बहुत ही इजी है खाना ऑर्डर करना, क्योंकि बहुत सारे ऐप्स हैं जिनसे आप ऑर्डर करके 15 से 20 मिनट में खाना मंगवा सकते हैं, जो कि बहुत आसान तरीका है। लेकिन ये तो आप सभी मानोगे कि घर का खाना तो घर का खाना ही होता है, और बाहर से खाना जब हम मंगाते हैं तो वो पॉकेट फ्रेंडली भी नहीं होता है, बहुत कॉस्टली होता है। हर काम को करने के लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, वैसे ही कुकिंग के लिए भी मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करूंगी जिससे आप सब जरूर मोटिवेट होंगे। जस्ट थिंक अबाउट हेल्थ ऑफ योर्स एंड योर फैमिली मेम्बर्स। हेल्थ इज वेल्थ। घर का बना सिंपल खाना, दाल चावल भी हेल्दी होता है, हाइजीनिक होता है। जैसे ही आप ये सोचते हो, आप ज़रूर कुकिंग घर पर करना चाहोगे। ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि हमारे घर के सभी लोगों की हेल्थ अच्छी रहे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना मील प्लान करें। वीकली मील प्लान विल हेल्प यू टू कुक फास्टर, और वो स्ट्रेस फ्री भी होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय तो क्या बनाए उसी में जाता है। मील प्लान रेडी होगा तो आप ज़रूर बनाना चाहोगे, बट प्लान बी भी रेडी रखना। जैसे वन पॉट रेसिपी जब आपके पास कम समय हो तो आप बना सको। ऑर्डर योर ग्रोसरी एंड अदर मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू योर मील प्लान, जिससे जब भी आप किचन में जाओ तो आपका समय वेस्ट ना हो। कीप योर किचन ऑर्गेनाइज्ड। सच में जब किचन ऑर्गेनाइज होता है तो काम करने में बहुत ही मज़ा आता है। उम्मीद है कि आप सभी ने मेरा किचन ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो देखा होगा। नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। किचन वॉल में कुछ मोटिवेशनल थॉट्स अवश्य लगाएं। किचन को फंक्शनल और ब्यूटीफुल रखें। नॉर्मली हम किचन डेकोर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बट दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। मील प्लान के हिसाब से आप वीकली ऑफ में मील प्रिपरेशन जरूर कर लें। दिस पॉइंट मोटिवेट अस अलॉट, क्योंकि हमें पता होता है कि आधा काम तो ऑलरेडी हो चुका है। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था मील प्रिपरेशन का, आप सबने ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप फिर से देखें। मील प्रिपरेशन में जो हमने तैयारी ना की हो उसे डिनर के समय दूसरे दिन के ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी भी देख लें। अगर आपको खाना बनाते समय बोरियत होती है तो आप खाना बनाते बनाते अपना फेवरेट म्यूज़िक सुन सकते हैं, अपना सीरियल देख सकते हैं, और अगर आपके घर में कोई एल्डरली पर्सन है तो उन्हें अपने साथ बिठा सकते हैं। बातों ही बातों में काम कब पूरा हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, और यदि ऐसा नहीं है तो आप अपने फेवरेट पर्सन को वीडियो कॉल कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं कि आज आप क्या बना रहे। जैसे मैं जब भी बोर होती हूँ तो मेरी एल्डर सिस्टर को कॉल करती हूँ, और उनसे जो भी रेसिपी मैं बना रही हूँ वो ज़रूर शेयर करती हूँ, बहुत ही मज़ा आता है। सबकी फेवरेट रेसिपी की एक लिस्ट भी आप अपने पास ज़रूर रखिए, उसे मील प्लान में ऐड करिए। घर के लोगों के चेहरे पर मनपसंद रेसिपी की खुशी आपको रियली मोटिवेट करेगी। सबसे ज़रूरी होता है किचन गैजेट्स पे ध्यान देना। अगर वो बराबर नहीं है तो हमें खाना बनाने का मन नहीं करता है, और उनके बिना आजकल काम भी आसान नहीं होता है। तो समय समय पर जो भी किचन गैजेट्स हैं उन्हें चेक करते रहें। अगर उन्हें रिपेयरिंग की ज़रूरत है तो ज़रूर करवा लें। ऐसे मील प्लान करें जिसमें कम इंग्रेडिएंट
और कम समय लगे। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ पॉटलक अरेंज कर सकते हैं। इससे दूसरों की रेसिपी भी आपको जानने को मिलेगी, साथ बैठकर खाने का मज़ा भी आएगा। नेक्स्ट, फॉलो सम गुड फूड ब्लॉगर्स और शेफ फॉर सम न्यू रेसिपीज। उनकी नई रेसिपी देखकर आपको भी बनाने का मन करेगा। कुछ बेस्ट क्वालिटी रेडी टू कुक फूड का स्टॉक भी रखें, जिससे आप अपने बिजी शेड्यूल में यूज़ कर सकें, जैसे फ्रोजन वेजिटेबल एक्सेट्रा। फास्ट फूड और जंक फूड की क्रेविंग होने पर घर पर बनाएं। एकदम परफेक्ट ना भी बनेगा तो हेल्दी ही होगा। और लास्ट में, वीक में एक या दो बार अपनी फैमिली के साथ बाहर डिनर के लिए ज़रूर जाएं, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, जिससे आपको चेंज मिलेगा और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड होगा और आपको रेस्ट भी मिलेगा और आगे दिन के लिए और अगले दिन के लिए आप मोटिवेट रहेंगे। तो उम्मीद है आप सभी को ये सभी पॉइंट्स पसंद आएंगे। आप वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर पसंद आए तो ऐसे और वीडियो के लिए आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय।